उस तक पहुंचने के मार्ग में अनेक बाधाएं आएंगी, परंतु तुम्हें एकाग्र होकर अपने लक्ष्य तक पहुंचना है। मार्ग में बाधाएं आएंगी, किंतु मैं भयभीत होकर मार्ग से वापस नहीं लौटूंगा। मुझे उस आकाश फल को खाना है और अपनी भूख मिटानी है। आप मेरे मार्ग से हट जाइए ना, जाइए ना। अबोध बालक, तुम बहुत ही सौभाग्यशाली हो कि तुम यहाँ तक पहुँच पाए, मेरे दर्शन हो पाए। मैं कालदेव हूँ और कालदेव के दर्शन जीवन के अंत में ही हो पाते हैं। पर मुझे तो हठी बालक, विधाता ब्रह्मदेव और अन्य देवता ये तो मात्र भाग्य दुर्भाग्य को निर्धारित करते हैं, किंतु मेरे हाथ में सभी के भाग्य दुर्भाग्य को लागू करने का अधिकार है। मेरे काल पथ पर प्रवेश कर तुम सब कुछ भूल जाओगे, भूख, माँ का दुख, सब कुछ। सोच में पड़ जाओगे कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ जाना है, कुछ भी समझ में नहीं आएगा, क्योंकि मैं अनंत हूं, जिसका ना कोई आदि है ना अंत। अनंत हूं मैं, अनंत। किंतु मेरी भूख भी तो अनंत है, मिटती ही नहीं। मुझे जाने दीजिए ना, अपनी भूख मिटानी है। जब मेरी भूख मिट जाएगी तब वापस माँ के पास लौट जाऊंगा। तुम्हारा यही बाल हट तुम्हें तुम्हारी माँ के पास नहीं लौटने देगा। काल के गहन अंधकार में विलीन होकर रहोगे सदा के लिए। हे प्राणवल्लभ, कालदेव ने सोचा था मारुति एक अबोध बालक है, सहज ही बंधन में बंध जाएगा। उन्हें तो अनुमान ही नहीं था कि मारुति इतने शक्तिशाली है। प्रिय, ऊंट तब तक स्वयं को बड़ा ही समझता है जब तक वो पर्वत के नीचे नहीं आता, क्योंकि उसने तो कभी ग्रीवा उठाकर देखा ही नहीं। इसी प्रकार अभिमानी मनुष्य सबको अपने से निम्न ही समझता है, वो देख ही नहीं पाता कि उससे ऊपर भी कोई है। इसी प्रकार कालदेव भी मारुति को एक साधारण अबोध बालक ही समझ बैठे थे। महादेव, मारुति तो भय को मन का भ्रम मानते हैं, इसीलिए वे भयभीत नहीं हुए, किंतु कालदेव ने उन्हें अपने काल पथ पर डाल दिया है जो अनंत है। वे इसे कैसे पार पाएंगे? जिसने एक बार दृढ़ निश्चय कर लिया उसके लिए संसार में कुछ भी असंभव नहीं है। महेश्वरी,
दीपक की एक छोटी सी ज्योति भी गहन अंधकार को मिटा देती है। जल निरंतर बहते हुए चट्टानों को काट देता है। अबोध मारुति में भक्ति की असीम शक्ति भरी है। मां की वेदना मिटाने के लिए वे दृढ़ निश्चय करके चले और ये कालदेव मुझ महाकाल के सहायक मात्र हैं। किंतु मारुति मेरे अंश, यह कालदेव और मारुति दोनों के लिए परीक्षा की घड़ी है देवी। महारानी जी, हमने युवराज को पूरे राजभवन में ढूंढा किंतु वो हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिए। राजभवन में नहीं है, राजभवन में नहीं है तो कहाँ गया होगा? कहीं किसी संकट में पड़ गया तो? हे प्रभु, मेरे पुत्र मारुति की रक्षा करना। सूर्येन्दु ग्रहणम यावत् तावत् कुर्याजपादिकम्। क्या हुआ महारानी? मारुति का कुछ पता नहीं चल रहा। पूरा राजभवन देख लिया, वो कहीं नहीं मिला। राजन, आप अपने स्थान से नहीं उठ सकते। किंतु पुरोहित जी, मेरा पुत्र कहीं? बीच यज्ञ से उठना अशुभ होता है राजन। ये आपके परिवार और सारे राज्य के लिए हानिकारक हो सकता है।